माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर शबाना खान, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, फ्रॉम कैरियर कॉन्वेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च, इसे हिंदी में कहते हैं अनुसंधान। अनुसंधान द्वारा हम उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर मनुष्य स्वयं नहीं जानता है। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना होता है, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है बार बार और सर्च का मतलब होता है खोजना। अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान किया जाता है। हम अपनी समस्याओं को बार बार खोजते हैं अनुसंधान के माध्यम से। रिसर्च इज सर्च फॉर नॉलेज इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे, अर्थात व्यवस्थित व वैज्ञानिक रूप से ज्ञान की खोज करना ही अनुसंधान कहलाता है। हमारे समाजशास्त्र में मोजर एक थिंकर हैं जिन्होंने सामाजिक अनुसंधान के बारे में अपने विचार दिए हैं। सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित अध्ययन को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अर्थात मोजर जो है समाजशास्त्री जी ने ये बताया है कि हम किसी समस्या को समाधान करने के लिए उसको एक व्यवस्थित माध्यम से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं जिससे हमें एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब हम इसको जानते हैं समाजशास्त्र में इसको कैसे उपयोग किया जाता है सामाजिक अनुसंधान को। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर हम सामाजिक अनुसंधान को समाधान कर सकते हैं। तो सामाजिक शोध का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग नवीन ज्ञान की प्राप्ति से है। नवीन ज्ञान से मनुष्य की जिज्ञासा को ही समाधान नहीं होता बल्कि इसके द्वारा हमें उपयोगी ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है जिसकी सहायता से हम प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारा आता है सेकेंड पॉइंट, अज्ञानता की समाप्ति। अज्ञानता की समाप्ति के द्वारा हम अपने समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। सामाजिक शोध ही एकमात्र ऐसा आधार है मानव धीरे धीरे चारों ओर फैली समस्याएं दूर कर सकता है, जैसे भाषावाद, जातिवाद, वर्गवाद, भ्रष्टाचार, युवा तनाव आदि। इन समस्याओं को वास्तविक कारण को शोध के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इन समस्याओं को हम वास्तविक कारण जानकर इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने समाज में फैली बुराइयों को विनाश कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। जब कभी समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है तो सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन की दशा उत्पन्न होने लगती है। यही असंतुलन व्यक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक फिक्टन को प्रोत्साहन देने लगता है जिससे क्या होता है कि हमारे समाज सामाजिक शोध के द्वारा हम इन असंतुलन से उत्पन्न समस्या को दूर कर सकते हैं जिससे हम एक समाज में स्वच्छ वातावरण बना सकते हैं। हम इन अपनी समस्याओं को समाज में किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। फिर हमारा आता है भविष्यवाणी। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को पहले से समझकर उनका समाधान कर सकते हैं। भविष्यवाणी वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक करता है जिसमें हम समस्या को पहले से ही समझकर भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं जिससे हम उनकी समस्याओं का समाधान करके समाज में एक स्वच्छ वातावरण बना सकते हैं और हम उनकी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। समाज में हमारे बहुत ही बुराइयां फैली हुई हैं जिसके माध्यम से इन सब शोधों के माध्यम से हम उन समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपने वातावरण में स्वच्छता बनाए रख सकते हैं।